Hey viewers, welcome back to Paromita's Delight and happy Holi to all of you. I wish कि आपकी होली बहुत अच्छी कट रही होगी और मेरी भी बहुत अच्छी कट रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं एक बहुत प्यारा सा व्लॉग बनाऊँ. सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने सुबह सब्ज़ी बनाई. सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा पचफोरन आप डाल दीजिए एंड देन उसके बाद में हम इसमें सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, एक या दो, जैसे आपको तीखा रखना है उसके हिसाब से. एंड देन इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे बाकी के स्पाइसेस जो कि मैंने तैयार किया है. अदरक और मिर्च को मैंने कूट के रख लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है. एंड हम इसको थोड़ा सा स्टर कर देंगे, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे एंड देन उसके बाद बाकी की चीज़ें हम इसमें डालेंगे. इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें जीरा धनिया पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड करूँगी. ये सारी जो बेसिक सी चीज़ें हैं ये मुझे ऐड कर देनी है. हाँ, या थोड़ा सा हल्दी भी ऐड करना होगा एंड या टेस्ट अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा इसमें शुगर या जैगरी भी ऐड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. ये जो सब्ज़ी बनता है पूड़ी के साथ में थोड़ा हल्का मीठा बनता है, तो इसमें मैं थोड़ा सा जैगरी भी ऐड कर देती हूँ. एंड थोड़ा स्टर करने के बाद ये मैंने पोटैटो को बॉयल करके रखा हुआ था, उनको मैंने छोटे छोटे पीस में करके इसमें ऐड कर दिया है. अब मैं इसको साथ में स्टर करूँगी जस्ट फॉर 5 मिनट्स और सो समथिंग लाइक दैट. जैसे ये अच्छे से कोट हो जाएगा पूरे मसाले में, उसके बाद में मैंने इस थोड़े से मटर जो है जो चाट के लिए बॉयल करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं. दिस आर येल्लो मटर, जो चाट वाले मटर होते हैं ये वो है. एंड देन मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड देन अकॉर्डिंग टू योर कंसिस्टेंसी एंड योर विश मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, जितना आपको चाहिए, जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं. और मैं मीन्स तब तक इसको मिक्स करती रहूँगी जब तक कि जो आलू थोड़ा सा मैश होके ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाए. उस कंसिस्टेंसी तक हमें इसे बॉयल कर लेना है. थोड़ा हम 1-2 मिनट पकाएंगे एंड देन हियर इज़ आवर डिलीशियस ब्रेकफास्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी. कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है तो मैं साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, तो आज मैंने पहन ली है साड़ी. अभी शाम तक तो मैं सोच रही हूँ कि साड़ी ही पहनूंगी. अभी हम करने वाले हैं प्री स्नैक्स, जिसके बिना होली होली नहीं है. यस, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. मैं बनाने वाली हूँ ठंडाई, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है होली के टाइम पे हमारे यूपी में. वाराणसी में तो खैर बहुत ज़्यादा, बट वहाँ तो भांग भी मिलाते हैं, यहाँ तो मुझे भांग अवेलेबल नहीं है. बट या वॉट एवर आई हैव आई विल मेक एंड बहुत यम बनने वाला है. चलिए फटाफट मैं आपको उसकी रेसिपी, बस मैंने कुछ शूट नहीं किया है, बस मैं आपको एक थरली बता देती हूँ कि कैसे करते हैं. हमें कुछ बहुत बेसिक से ड्राई फ्रूट्स लेने होंगे, जैसे कि थोड़ा सा कैश्यू यानी कि काजू, थोड़ा सा बादाम यानी कि आमंड, थोड़ा खसखस यानी कि पॉपी सीड्स एंड थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा ब्लैक पेपर. हाँ, इन सारी चीज़ों को हमें लेके ग्राइंड करना है. थोड़ा सा शुगर, ये सारी चीज़ों को लेके हमें ग्राइंड करना है. एक पाउडर सा बनाना है एंड उस पाउडर को जस्ट हमें दूध में, ठंडे दूध में मिक्स करना है एंड इट्स हेवनली गुड. चलिए फटाफट मैं ये रेडी कर लेती हूँ और सर्व करती हूँ. Now here I am making the batata puri or papdi chaat kind of, not exactly but kind of. ये जो papdi आप देख पा रहे हैं ये आटे की बनी हुई है और ये मैंने घर पे ही बनाया था and it's very easy. मैं कभी आपके साथ में share करूँगी इसकी recipe. Just papdi को मैंने रख लिया है plate पे and उसके बाद में मेरे पास में boiled potato थे जिनको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे piece करके हर एक papdi के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सजा दूँगी
एंड देन द नेक्स्ट आइटम विल गो इज़ हम इसमें थोड़ा सा हरी धनिया की चटनी डाल देंगे जो मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, धनिया पत्ते की चटनी। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना भी डालें, अगर आप चाहे तो सॉस भी डाल सकते हो। एंड देन मैं इसमें थोड़ा सा प्याज डाल दूंगी, छोटे छोटे चॉप किए हुए अनियंस। एंड देन उसके बाद में आपको इसमें, अगर मीठी चटनी आपके पास में है, इमली और गुड़ की चटनी जो कि मैंने ऑलरेडी मतलब चाट के साथ में बना हुआ था वो डाल देंगे। थोड़ा सा मैं कर्ड डाल दूंगी, कर्ड आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एंड मैं इसके ऊपर एंड में डाल दूंगी सेव, सेव कोई भी आलू भुजिया या फिर नॉर्मल बेसन भुजिया जो भी होता है वो आप डाल सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर आप इसमें और भी कुछ सजाना चाहे तो सजा सकते हैं, कोई और मतलब जीरा धनिया पाउडर रोस्टेड वो भी आप चाहे तो इसमें सजा सकते हैं। एंड यस, मतलब सेव से सजाने के बाद में ये काफ़ी सुंदर दिखने लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है और ये खाने में बहुत ही यम होता है गाइस। जैसे आप गोलगप्पे खाते हो ना, सेम एज दैट ओनली बिकॉज, बट इसमें बस पानी नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो मैं बनाने जा रही हूँ, वो मैं बनाने जा रही हूँ ठंडाई, जो कि होली स्पेशल है। और ठंडाई पाउडर की रेसिपी मैंने आपको पहले ही बता दी है, जस्ट 2 स्पून्स ऑफ पाउडर मैंने ग्लास में डाला है। एंड देन उसके बाद में मैंने ठंडा कर लिया था, मिल्क को बिल्कुल ठंडा कर लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप बर्फ़ डाल के उसके बाद में डाल सकते हो, जैसे मैंने एक एक बर्फ़ भी डाला है। एंड देन उसके बाद में मैंने मिल्क ऐड कर दिया है, इट्स एज सिंपल एज दैट, सिर्फ मिल्क डालना है, देन आपको एक दो बार स्टर करना है। एंड या योर ठंडाई इज़ रेडी। इफ़ यू हैव भांग तो आप भांग भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास भांग अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं मिलाया है। इसको गार्निश करने के लिए आप थोड़ा सैफ्रन स्ट्रैंड्स या तो फिर जैसे मैंने किया है ड्राई रोज पेटल, उनसे मैंने गार्निश किया है, विच गिव्स इट अ वेरी वेरी नाइस लुक। और या दिस इज़ आवर मिड मॉर्निंग स्नैक विच लुक्स ऑसम एंड इट टेस्ट सो मच गुड। अब भाई होली है तो गुजिया को हम कैसे छोड़ दे, गुजिया बनाना तो बनता ही है। तो चलिए ये रही गुजिया की बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी। सबसे पहले हम ले लेंगे मैदा, 1 कप मैदा लिया है मैंने और उसमें हमने करीब 2 स्पून के करीब मैंने घी डाल दिया है, आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको आपको ड्राई नीट करना है बहुत अच्छी तरीके से, जब तक कि आपका ये गुठली गुठली टाइप का ना फॉर्म हो जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें हल्का हल्का पानी मिलाऊंगी और इसका एक हार्ड डो बनाना है हमें, सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, हार्ड डो बनाना है। जैसे कि आप कुछ भी पापड़ी वगैरह बनाते हैं उसके लिए जैसा डो बनाते हैं ऐसा बनाना है। और अच्छे से चिकना करके इसको आपको गूंथ लेना है जो उसका डो है। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी और मैं चलती हूँ इसकी स्टफिंग की तरफ। तो ये हाँ, ये मैंने शूट किया था बीच में, मेरे हस्बैंड जो है वो मालपुआ बना रहे थे, मेरे मदर इन लॉ ने इसका पूरा बैटर रेडी किया था एंड उन्होंने फ्राई किया। सो या दिस इज़ वेरी यम, ये वाली चीज़ तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है बिकॉज़ ये बहुत सारी बनती है और बहुत दिन तक घर पर रहती है। तो चलिए मैं चली आती हूँ, आपको बताती हूँ कि स्टफिंग कैसे बनाना है। तो ये मैंने मावा जो है ये लिया है, जिसको हम खोया कहते हैं, ये मैंने एक दिन पहले ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके बनाया था दूध से। एंड देन इसके बाद में इसको जस्ट मैं पैन पे हल्का हल्का बस चला रही हूँ, कोई ऑयल कुछ भी नहीं डाला है। और मैंने शुगर को फाइन पाउडर बना लिया है जस्ट मिक्सी में ग्राइंड करके, एंड मैं उसमें मिक्स कर रही हूँ, जितना खोआ है उतना ही शुगर लिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। थोड़ा सा मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मेरे पास में मेवे है जो मतलब कि किशमिश है, थोड़ा काजू है, थोड़ा आमंड है, उन सबको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, अच्छे से मेरी स्टफिंग रेडी हो जाएगी। बट स्टफिंग तब तक नहीं भरना है जब तक कि ठंडा ना हो जाए, बिकॉज़ अगर आप गर्म स्टफिंग भर देते हो गुजिया बनाने के लिए तो आपका गुजिया जो है वो अच्छा नहीं बनेगा और मतलब डालते ही तेल में फूट जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, एक बड़ा सा मैंने लोई लिया है, इसको मैं बड़ा सा बना के, एक मेरे पास में ग्लास है उससे मैंने ये कट कर लिया है जो मैं शूट करना भूल गई हूँ। एंड देन मैं स्टफिंग को थोड़ा थोड़ा इसमें रखूँगी और मैंने पानी ले लिया है साइड में। स्टफिंग आप अपने हिसाब से रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बट साइड्स को जब आप सील करेंगे तो आपको पानी अच्छे से लगाना पड़ेगा। तो पानी अच्छे से साइड्स में लगा के जस्ट उसको नॉर्मली आप एक के ऊपर एक रख के, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको आपको बंद कर देना है।
बहुत केयरफुली करना है और बहुत अच्छे से, बिकॉज मेरे एक दो थोड़े ठीक नहीं हुए थे तो वो ऑयल में खुल खुल जा रहे थे, तो आपको बहुत अच्छे से सील करना है। एंड देन मेरे पास में जो फॉक है, फॉक से मैं इसमें डिज़ाइन बना दूंगी, बिकॉज आई डोंट हैव द साचा ऑफ गुजिया, तो मैंने फॉक से इतना प्यारा सा डिज़ाइन बना दिया है। एंड या इस तरीके से मैंने कम से कम 15 गुजिया तैयार किया था। तो हियर आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द 15 गुजियाज और अब मैं इनको तलूंगी। तो मैंने मीडियम हॉट कर लिया है ऑयल को और उसमें मैं 5-6 गुजिया एक साथ डाल दूंगी ताकि बहुत जल्दी से फ्राई ना हो जाए और ऑयल का टेम्परेचर जो है वो फट से ड्रॉप हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारा एक साथ डाला है। एंड मैं इनको धीरे धीरे तलती रहूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 10-15 मिनट का टाइम लगता है और ये अच्छे से अंदर तक सिक जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रखोगे तो बाहर से तो ब्राउन हो जाएगा बट अंदर से कच्चा रह जाएगा। धीरे धीरे आपको करना है। एंड थोड़ा सा आप देख सकते हैं कलर चेंज कर रहा है, कलर चेंज करने का मतलब ये अब होने लगा है। सो या हियर इज माई टेस्टी गुजियास। होली के टाइम में कमकी रोटी खा के रहने का, उससे घर की चीज़ें हम बना के रख देते हैं कि घूमते फिरते कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सबका टाइम ना डिफरेंट हो जाता है। मतलब अगर हम ब्रेकफास्ट 9 बजे करते होते हैं तो वो 10 बजे हो जाता है, लंच हम 2 बजे करते हैं तो वो 3-4 बजे तक हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और आपके आँखों के सामने अगर मालपुए और इस तरह के यम्मी यम्मी गुजिया रखे हुए हैं, खाने पे किसी का ध्यान नहीं रहता है, प्लस खाने का भी आइटम बहुत टेस्टी बनने वाला होता है। तो यम और मैं बनाने जाने वाली हूँ मटन कौशा, यानी कि ड्राई स्पाइसी बहुत यम सा मटन। Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. सुबह से काम कर करके काफ़ी थक गई थी मैं और हमारा लंच करते करते भी काफ़ी टाइम हो गया, बिकॉज मैं जो मटन की रेसिपी बना रही थी एंड वैसे भी मटन को होने में बहुत टाइम लगता है। सो या और अभी आया ना ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा रेस्ट और शाम से फिर हमारा मस्ती एंड ऑल शुरू हो जाएगा। घर पे अगर कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उनको हम थोड़ा सा अभी डालते हैं एंड थोड़ा कलर लगाते हैं, उसके बाद में जो हम सर्व वगैरह करते हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें घर पे बनी हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें घर पे हैं। एंड मटन वॉज यम, बहुत टेस्टी बना था, लंच हमारा बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा। एंड आई होप कि हमारा डिनर भी और स्नैकिंग भी काफ़ी अच्छा होगा होली का। I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. Good evening, everyone, and happy Holi to all of you once again. और शाम को मैं हो गई हूँ रेडी, बिकॉज़ आज पूरा दिन मेरा मन कर रहा है कि मैं अच्छे से फिट फाट होके तैयार होके रहूँ, अगर घर पे हूँ तो भी। वैसे हमारा बाहर जाने का प्लान बना था बट घर में अभी शाम को काफ़ी खाने पीने का प्लान है, तो फिर हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया है और हम घर पे ही रहने वाले हैं, अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय करने वाले हैं। और मैंने पहना है एक नॉर्मल सा टॉप, क्रॉप टॉप, और उसके साथ में एक स्कर्ट, जो कि मुझे लग रहा है एक फेस्टिवल, होली फेस्टिवल के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है। और इस टाइम हैदराबाद में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तो मुझे यही एक अप्रोप्रिएट ड्रेस लगा इवनिंग के हिसाब से।
सो यार चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या चीजें बनी है और हम क्या क्या खाने वाले हैं। चाट खाने के बाद मेरा पेट काफ़ी भर गया था तो मैंने मेरा दही बड़ा जो है वो रख दिया था फ्रिज में जो कि अब ठंडा हो चुका है। काफ़ी यम्मी लग रहा है। होली के टाइम पे दही बड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को भी पसंद है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इट्स रियली रियली यम। तो मैं जब तक इसे आराम से ख़त्म करती हूँ तब तक मैं आप लोगों को अलविदा कहना चाहती हूँ एंड आई होप आपकी भी होली काफ़ी अच्छी बीती होगी। एंड या आपने किस तरीके से होली मनाया है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक करें। मैं मिलती हूँ आपसे मैंने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।